पार्टी नेता द्वारा एक हिस्ट्री सीटर को छुड़वाने का वीडियो अब भाजपा के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के साथ सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि एक अपराधी से मुंह की खाने के बाद इस मामले में पुलिस ने नेता और उसके सहयोगियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस की गिरफ्त से अपराधी को छुड़वाने जैसे गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। शहर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं कर रही और जो घटना हुई है उस पर रिपोर्ट दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल की जो घटना है उसमें मनोज सिंह नाम का एक व्यक्ति फरार हुआ है, इसके ऊपर बलात्कार के एक मामले में 10 साल की सजा हुई है। इसके बाद हाई कोर्ट से बेल हुई, दो और मुकदमे इसके खिलाफ कायम है जिनमें वांटेड है। उन मुकदमों में इसकी गिरफ्तारी के लिए कल पुलिस ने इसको पकड़ा था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली और इसको छुड़ाने में सफल हुए। मनोज सिंह के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, जिन्होंने उसको छुड़ाने का प्रयास किया या योगदान किया। ऐसे एक दर्जन लोग करीब चिन्हित हो चुके हैं और चिन्हित किए जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का व्यवसाय क्या है या वो राजनीतिक पार्टी में है, जिसने अपराध किया है सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने एक तरफ पुलिस की अपराधियों के खिलाफ की जा रही तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी की बहुत फजीहत करा डाली है। बलात्कार के आरोपी और 25,000 के इनामी अपराधी मनोज सिंह के भाजपा नेताओं से संबंध और फिर पुलिस के साथ हाथापाई करके अपराधी को छुड़वाने का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष पूरी तरह हमलावर है। सत्ता में वापसी का सपना सजोए समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, अपराधी और माफियाओं के गठजोड़ की सरकार है। एक बार खुद सुनिए किस कदर समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में हमलावर है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भू माफिया राज, शराब माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कानपुर के अंदर में नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पार्टी देते हैं, उस पार्टी में मनोज सिंह का नाम का हिस्ट्री सीटर आता है, उस पर पुलिस पकड़ने आती है उसको, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक मिलके सब उसको पुलिस की जीप से उतार के भगवा देते हैं हिस्ट्री सीटर को। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में गुंडा राज चल रहा है, इसको गुंडा राज बोलते हैं योगी जी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता नारायण सिंह भदौरिया पर कार्रवाई करते हुए उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने प्रदेश में नेताओं और अपराधियों के गठजोड़ की पोल खोल कर रख दी है। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी दुबकी नजर आ रही है, तो विपक्ष हमलावर हो गया है। कहा यही जा सकता है कि अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नेता अपराधी गठजोड़ कहीं एक मुद्दा न बन जाए और भाजपा के लिए सरदर्द। विकास वाजपेयी, बिफोर प्रिंट, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।